संपूर्ण विश्व में जैन दर्शन के प्रचार प्रसार सहित जैन सिद्धांतों के क्रमिक अध्ययन कराने के मुख्य उद्देश्य से सतपथ फाउंडेशन द्वारा सुंदर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का यह क्रम 30 जुलाई को नागपुर में भी जारी रहा। 30 जुलाई को नागपुर में सतपथ फाउंडेशन द्वारा सुंदर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत सहित संपूर्ण विश्व में भगवान महावीर के संदेशों और जैन दर्शन का प्रचार प्रसार करना है। मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने बताया कि प्रथम एपिसोड में ग्रंथराज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाश जी पर स्वाध्याय हुआ एवं दूसरे एपिसोड में ग्रंथराज श्री रत्न करंड श्रापकाचार्य जी पर स्वाध्याय चल रहा है। प्रथम एपिसोड में हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज जी, जो कि पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित गया है, और उसके माध्यम से जैन दर्शन का क्रमिक अध्ययन किया, जो हमारा प्रथम एपिसोड था। द्वितीय एपिसोड में हम रत्नकरण श्रावकाचार्य जी, पंडित सदा सुखदास जी द्वारा लिखा गया, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए विशेष आभार मानता हूँ मैं हमारे आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोधा जयपुर, विपिन जी पंडित जी साहब नागपुर, और आदरणीय राजकुमार जी सीए साहब मुंबई का, जो सतपथ की टीम के माध्यम से पूरे विश्व को जैन दर्शन का क्रमिक अध्ययन करा रहे हैं। हजारों की संख्या में साधर्मी जैन दर्शन को पढ़ते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा देके सतपथ में सम्मिलित होकर हमारे इस तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं सतपथ की टीम को दीपक राज जैन बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। यह पूरा आयोजन जनशासन सेवक आदरणीय पंडित श्री डॉक्टर संजीव जी गोदा जयपुर को समर्पित है, जिसमें नागपुर मुंबई एवं प्रचार प्रमुख छिंदवाड़ा से दीपक राज जैन सहित संपूर्ण सतपथ परिवार का सहयोग प्राप्त हो रहा है। जैन फोकस के लिए नागपुर महाराष्ट्र से दीपक राज जैन की रिपोर्ट।